Dear students, welcome to the new session of my YouTube channel English Learning Heart, in which we are going to discuss the important character sketch of Baldew of the class 11th, which is taken from the chapter The Tiger in the Tunnel. This chapter is written by renowned author Ruskin Bond. Tiger in the Tunnel is an interesting story which is written by Ruskin Bond. First of all, we will write down the line. ये जो story है the Tiger in the Tunnel, वो Ruskin Bond द्वारा लिखी गई दिलचस्प कहानी है. Baldew is the most important character in the story. Baldew इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है. He had small rice fields, but these were not sufficient for the family. उसके पास धान के छोटे खेत हैं, परंतु ये खेत उसके परिवार के लिए काफ़ी नहीं है. So he started working as a खलासी, इसलिए उसने खलासी के तौर पर काम करना शुरू किया. He had a son, wife and daughter in his family. उसके परिवार में एक लड़का, एक पत्नी और उसकी एक बेटी है. Baldew was a watchman in a rural railway station. Baldew एक गांव के रेलवे स्टेशन में वॉचमैन के तौर पे काम करता है. द स्टेशन वाज सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट. ये जो रेलवे स्टेशन है एक जंगल के भीतर स्थित है. हिज ड्यूटी वाज टू लाइट द सिग्नल लैम्प इन फ्रंट ऑफ द टनल. उसकी जो ड्यूटी है वो सुरंग के सामने खड़ा होकर उसे चेक करके ट्रेन को सिग्नल लैंप देने की है. वंस अ टाइगर अटैक्ड हिम व्हेन ही वाज ऑन द ड्यूटी इन द टनल. जब वो एक बार सुरंग में ड्यूटी दे रहा होता है तो एक टाइगर Baldew पर अटैक कर देता है. ही डिड नॉट रन अवे. Baldew टाइगर को देखकर भागता नहीं है. ही हिट द टाइगर विद हिज एक्स. वो अपनी कुल्हाड़ी से टाइगर पर अटैक करता है. द टाइगर अटैक्ड Baldew विद हिज पॉ. टाइगर Baldew को अपने पंजे से अटैक करता है. Baldew डाइड एट द स्पॉट. Baldew मौके पर ही मर जाता है. दस Baldew डिड हिज जॉब क्रेजियसली. इस तरह हम देखते हैं Baldew अपनी जॉब बहुत बहादुरी से करता है. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वी कैन से दैट Baldew इज़ अ हार्ड वर्किंग एज वेल एज ब्रेव पर्सन हु इज़ डिवोटेड टू हिज फैमिली. कहानी को रीड करने के बाद हम कह सकते हैं कि Baldew मेहनती होने के साथ साथ बहादुर व्यक्ति भी है जो अपनी फैमिली के प्रति डिवोटेड है. ही केयर्स डीपली फॉर हिज सन्स सेफ्टी. वो अपने बेटे टेम्बू की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखता है. ही हैज़ अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ही नोज हिज ड्यूटी एंड नेवर शर्क्स फ्रॉम इट. Baldew में जिम्मेवारी की भावना है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह जानता है और कभी भी ड्यूटी से मन नहीं चुराता. Due to these characteristics, we can say that Baldew is the hero of the story. Baldew के इन गुणों के कारण हम Baldew को कहानी का हीरो बोल सकते हैं. And all the incidents of the story revolve around him. और कहानी की सभी घटनाएं Baldew के इर्द गिर्द घूमती हैं. Dear students, thus we try to solve the character sketch of Baldew in the easy way.
आई होप यू विल बेटर लर्न दिस करेक्टर टू स्क्योर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश लर्निंग हर्ट. थैंक यू.